हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हर लेक्चर में मैं यही बात कहता हूं कि हम लोगों ने घटना चक्र की जो फिज़िक्स की सीरीज है वो उसको स्टार्ट किया है। तो आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर 11 रहेगा दोस्तों। ओके, सो 11th लेक्चर है। सो 10 लेक्चर्स हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए और हार्ड डिस्क के बाद एक और लेक्चर रहेगा एंड फाइनली हम लोग क्लोज कर देंगे फिज़िक्स पार्ट को। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो कंडक्टिविटी के बारे में, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आपको पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बीपीएससी बच्चों के लिए दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको बताता ही रहता हूं कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ को शुरुआत की है जहां पे 20 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं एंड 20 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट यहां पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगी, डाउट्स सॉल्विंग सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सब कुछ आपको एक चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है 499 में। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड मेरी मदर के लिए भी प्रे कीजिएगा, उनकी तबीयत भी ख़राब है। ओके, मेरे पेरेंट्स के लिए भी आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो टॉपिक मैंने बताया आपको कंडक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। So within the atom, electrons nearest to the nucleus are strongly bound to positive ions दोस्तों, of the nucleus by attractive force. Okay, so atom की बात कर रहे हैं यहाँ पे। And whatever the electrons which are near, ये तो समझने वाली बात है दोस्तों। In fact छोटे टेक्स्ट बुक्स में भी आपने देखा होगा 8th, 9th, 7th क्लास में, वहाँ पे आपको आटम्स के बारे में क्लियरली मेंशन किया होगा। So whatever the electrons which are nearest to the nucleus, okay, ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, उनको अलग करने में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, तब जाके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाउंड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और इनके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं। द इलेक्ट्रॉन फॉर फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव ए पूरा अट्रैक्टिव फोर्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, न्यूक्लियस से अवे रहते हैं, सो उनको सेपरेट करने में उतनी एक्सटर्नल फोर्स हमको लगानी नहीं पड़ती है, बिकॉज दे हैव ए पूर अट्रैक्टिव फोर्स दोस्तों। Due to poor attractive force, such electrons are easily removed from their original state. Okay, so उनको वहाँ से easily हम remove कर सकते हैं and these are known as free electrons और conduction electrons भी उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? Free electrons और conduction electrons भी इनको कहा जाता है दोस्तों। तो वही बात करें silver के बारे में, आपने सुना होगा। तो silver is the best, क्या है? Best conductor of electricity. सो जैसे अदर मटेरियल्स ले लीजिए, ये बेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अदर मटेरियल्स की बात करें जैसे कि कॉपर हो गया, ओके, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, तो ये भी दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम लिक्विड एंड गैसेस दोस्तों। सो दिस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आर फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो। क्लियर, समझ में आ गया। सो मेटल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सब कुछ। सो इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम और फ्री टू मूव। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे हमको लेस लगानी पड़ती है, ड्यू टू विच हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली जो है उनके पाथ से वी कैन डाइवर्ट इट दोस्तों। सो डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। And electron is not attached to an ion or atom or molecule or free to move under the influence of कोई भी external force is nothing but electric और magnetic field। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है उस इलेक्ट्रॉन को हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा था। एंड मेटल्स की बात करें, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इज़ ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वही अगर लिक्विड और गैसेस की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे कैसा मेजर किया जाता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है उसके बेसिस पे मेजर किया जाता है। वही अगर लिक्विड और गैसेस की बात करें तो यहाँ पे इट कैन बी मेजर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दोस्तों समझ गया आप? ओके, एंड गैसेस की बात करें, ओके मेटल्स और लिक्विड हो गया, तो गैसेस की बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस ओनली एट डेफिनेट प्रेशर रेंज। दोस्तों एक पर्टिकुलर रेंज सेट किया गया है, उसी रेंज के हिसाब से द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी टेक्स प्लेस। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन कंडक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो द मैटर हैविंग वेरी लो और जीरो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया आपको? सो जो भी मैटर है okay, तो वहाँ पे या तो फिर लो होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, या फिर कंप्लीटली ज़ीरो रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ज़ीरो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वहाँ पे आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर बाइंड टू द न्यूक्लियस, दे आर बाइंड टू द न्यूक्लियस, ओके, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इज़ नथिंग बट वॉट एवर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। वहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके या फिर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे वी कैन ईजिली रिमूव देम। बट यहाँ पे अगर जीरो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस से अवे जा रहा हो, तो वहाँ पे वी नोन एज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सच मैटर इज नोन एज एन इंसुलेटर। दोस्तों द फ्लो ऑफ चार्ज इन सच मैटर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चार्ज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर दोस्तों। सो द मैटर हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। सो नॉन कंडक्टर इज नथिंग बट जहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के बीच में, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में जो इंटरिम होता है ना उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो कंडक्टिविटी है, अगर आपने कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर दिया या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर प्रेशर को कम कर दिया, अगर थोड़े से इनके फैक्टर्स में अगर हम चेंज करेंगे, ये माइनर चेंज बोल लीजिए या मेजर चेंज जो भी आप बोल लीजिए, चेंज करेंगे वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मैटर। दोस्तों जब आप किसी मैटर का प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं इट इज़ कम्स अंडर द सेमी कंडक्टर कैटेगरी एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल्ड इम्प्यूरिटीज़ टू सेमी कंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डोपिंग कहते हैं। ओके, अब थोड़े बहुत जो है एक्स्ट्रा मटेरियल्स को या फिर एक्स्ट्रा मेटल्स को ऐड किया जाता है ताकि उसके जो ना प्रोसेस को चेंज कर सके, राइट, एंड यू नो उसको हम एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। एंड डोप सेमी कंडक्टर्स आर रेफर टू एज एक्सट्रिंसिक, याद रख लीजिए एक्सट्रिंसिक इसको कहा जाता है दोस्तों, राइट। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, सो देयर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस दोस्तों। सो सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, सो देयर रेसिस्टेंस विल गेट डिक्रीजेस जब आप टेम्परेचर इसको इंक्रीज करेंगे। दैट इज़ वाई रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन द सेमी कंडक्टर। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स की बात करें, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ओके जी ई से डिनोट किया जाता है, ओके एस ई से डिनोट किया जाता है आपने, ओके सिलिकॉन हो गया दोस्तों, कार्बन हो गया, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेमी कंडक्टर्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंडक्टिविटी दोस्तों। सो इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ एग्जैक्टली ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ही वो नहीं होता है, तो इट इज़ completely zero, and the expulsion of magnetic flux fields occurring in a certain materials is known as superconductors. So when it cooled below a characteristics critical temperature दोस्तों, okay, यहाँ पे अगर कोई भी मैटर ले लीजिए जहाँ पे completely zero electrical resistance है, okay, and when they cool below a critical temperature, एक critical temperature से हम we can cool them, then we can achieve this property of superconductivity. The temperature at which resistance of matter suddenly becomes zero दोस्तों is known as ट्रांसिशन टेम्परेचर इसको कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो सडनली जब इसका टेम्परेचर जो रेसिस्टेंस होता है ना मैटर का, सडनली जब जीरो हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके जैसे कि एल्यूमिनियम ले लीजिए, ओके स्टेनलेस ले लीजिए, लेड ले लीजिए, उनको अगर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें 1.19 केल्विन, ओके टिन जो होता है 3.7 केल्विन, लेड जो होता है ओके 7.2 केल्विन के नीचे अगर आप इसको टेम्परेचर में लेके जाएंगे तो वहाँ का जो रेसिस्टेंस होता है उस वक्त वो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। देखिए आप देख सकते हैं ट्रांसिशन टेम्परेचर दिया हुआ है। मर्क्यूरी का कितना है 4.2 केल्विन, टंगस्टन का 0.01 केल्विन, कैडमियम का 0.56 केल्विन, एल्यूमिनियम ओके टिन लेड मैंने आपको बता दिया 7.2 केल्विन। तो ये ट्रांसिशन टेम्परेचर है जहाँ पे इनका जो रेसिस्टेंस होता है इट विल कम्प्लीटली ज़ीरो दोस्तों इन मटेरियल्स का। क्लियर, चलिए। सो एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, राइट। एंड जैसे कि पावरफुल सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज इन मैगलेव ट्रेंड्स दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन रिएक्टर्स ओके, और बीम स्टीयरिंग, फोकसिंग मैग्नेट्स यूज इन ए पर्टिकुलर एक्सेलरेटर्स। तो ये तरह तरह के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है बिकॉज मेरी तबीयत भी ख़राब है आज। ओके नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा फाइनल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है दूसरे टॉपिक में एंटर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को भी देखा होगा दोस्तों। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।